हाँ तो दोस्तों, आज अपन समझने वाले हैं क्वांटिटी सर्वे के बारे में, क्या होता है और अपन इसमें कैसे अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से अपन सीमेंट निकालेंगे, सैंड निकालेंगे, एग्रीगेट रखेंगे, रोड़ी आती है जो 20 mm 10 mm, तो उसको अपन कैसे निकालते हैं वो सब अपन आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे वॉल्यूम लेते हैं अपन 1 क्यूबिक मीटर, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में अपनी कितनी सीमेंट चाहिए चाहिए होती है, कितनी सैंड लगती है उसमें और कितना उसमें एग्रीगेट की जरूरत होती है। उस तरह से अपन, तो सबसे पहले अपन को वॉल्यूम की जरूरत होती है। तो ये वॉल्यूम अपने पास वेट वॉल्यूम है अपने पास 1 क्यूबिक मीटर। तो इसमें अपन सबसे पहले अपन एक ड्राई कोफिशियंट आता है इसका, मतलब कि अपन को ड्राई में कितनी चाहिए, तो उसके लिए एक कोफिशियंट आता है 1.54। तो इसको अपन को याद करना है। तो ये अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आ गया अपने पास ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम आने के बाद इस पे अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन सीमेंट की बात करते हैं। तो सीमेंट और इसमें अपन मिक्स डिज़ाइन वो रेशियो क्या ले रहे हैं, M25 मिक्स डिज़ाइन का। और तो इसका रेशियो कितना होता है, 1:1:2, ये तो आपको पता है शायद। तो रेशियो होने के बाद इसका जैसे चारों का क्या मतलब हुआ है, इसका एक सीमेंट हो गई, ये सैंड हो गई और दो इसकी एग्रीगेट हो गया, ये इसका मतलब होता है। इन चारों का टोटल कितना हो गया, चार, कैसे 1 + 1 + 2, ये आ गया अपने पास चार। तो अपन सबसे पहले अपन सीमेंट निकालते हैं। तो सीमेंट का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो भी सीमेंट का रेशियो 1 बटा इनका टोटल, टोटल कितना हो रहा है, चार, 1/4 × वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपन ने ऊपर निकाल लिया, 1.54 इक्वल टू आ गया 0.385 क्यूबिक मीटर। तो ये अपने पास क्यूबिक मीटर में है ये चीज़। तो अपन को क्यूबिक मीटर में अपन ये ऑर्डर नहीं करते, इसको ऑर्डर करते हैं अपन किलोग्राम में या फिर टन में। तो किलोग्राम में निकालने के लिए अपन को चाहिए इसका डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास वो आ जाएगी किलो में। तो ये कितना हो गया, 554.4 किलोग्राम। अगर इसको टन में निकालना हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास मेट्रिक टन में आ जाएगा, अगर गाड़ी कोई निकालनी हो तो। और सीमेंट अपने पास बैग में आएगी, लेकिन बैग में निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि एक बैग का वजन कितना होता है, 50 किलो। तो इसलिए इसको 50 से अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आए 11 पॉइंट, ये लगभग 12 बैग हो जाएंगे इस तरह से अपने पास। तो अब जैसे अपने सीमेंट निकाली, अपन के 12 बैग 1 क्यूबिक मीटर में, अपने वो डिज़ाइन रेशियो 1:20 M25 हो तो 12 बैग उसमें लगेंगे। तो आगे चलते हैं अब अपन सैंड के ऊपर, सैंड कितना लगेगा। सैंड निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, यहाँ से ले लिया अपन 1 बट्टा ये चारों का टोटल, 4 × उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने पास ये ऊपर निकाला था अपन ने, वही वॉल्यूम चलेगा। तो ये अपने पास सेम आ गया 0.385। सेम वही चीज़ है, किलो में निकालना है तो इसका डेंसिटी आएगी 1450, उसकी कितनी थी 1440, इसकी होगी 1450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो अपने पास केजी में आ जाएगा, 558 केजी हो गया। ठीक है, वही सेम चीज़ है, अगर इसको मेट्रिक टन में चेंज करना है तो 1000 से अपन डिवाइड कर देंगे, अपने पास मेट्रिक टन में आ जाएगा वो। और एक चीज़ इसमें, अगर क्यूबिक फीट में निकालना हो इस चीज़ को, जैसे अपने पास ये क्यूबिक मीटर में है तो क्यूबिक फीट में निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 35.31, ये इसका कोफिशिएंट होता है, इंटू 35.31 करना होता है, ये यूनिट कन्वर्जन है जो आगे अगर मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो इस तरह से अपन ने सेंड निकाल ली, सीमेंट निकाल ली, अब अपन निकालते हैं इसका एग्रीगेट। तो एग्रीगेट निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, ये दो कहाँ से आया, दो अपना ऊपर से ये जो रेशियो था इसका, यहाँ से 2 ले लिया डिवाइड बाई टोटल, टोटल उनका 4 हो रहा था, ये 4 हो गया इंटू ये इसका वॉल्यूम हो गया, वो है 0.77 क्यूबिक मीटर। सेम चीज़ अपन को केजी में चेंज करना है, केजी में चेंज करने के लिए इसका अपन को डेंसिटी लगेगी, डेंसिटी हो गई है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अपने पास आ गया 1155 किलो। सेम अगर मेट्रिक टन में निकालना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्यूबिक फीट में चेंज करना हो इसको तो 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने पास 27.18 क्यूबिक फीट। जैसे भी अपन को कैसे भी निकालना हो वो अपन इस तरह से निकाल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए और मैं आगे और बताऊंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।